कुमार दुरिया, कुलपति लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मेरे सभी छात्र छात्राओं जिनको आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, कर्मचारियों, सहकर्मियों, दोस्तों और शिवचंदकों और जितने भी एलुमनीज हैं, मैं उनसे आज बात करना चाहता था। और आज के समय मैं डिजिटल माध्यम के चलन में है, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। एलएनआईपी की सेवा करते हुए मुझे आज 5 साल पूरे हो गए। संस्थान की सेवा का अवसर मिलना मेरे लिए न सिर्फ सौभाग्य बल्कि गौरव की बात थी। मैंने अपनी निष्ठा और मेहनत के साथ इसे निभाया भी। लोगों की शिकायत रहती थी कि काम के दौरान मैं उनसे कम बात करता हूँ या अपने काम की चर्चा नहीं करता हूँ। मैं जब हमेशा सोचा करता था कि काम पूरे हो जाने पर सबसे इसकी चर्चा करूँगा। आज चूंकि संस्थान में काम का मेरा अंतिम दिन है, इसलिए पिछले 5 सालों का लेखा जोखा आपके बीच लेके आया हूँ। दोस्तों, छात्र छात्राओं, आज से 5 साल पहले जब मैंने एलएनआईपी में कुलपति का पदभार ग्रहण किया था, तो खेल और शारीरिक शिक्षा के अग्रणी संस्थान में काफ़ी कुछ ऐसा दिखा जिसमें सुधार की बहुत ज़रूरत थी। मैंने संस्थान की ज़रूरतों के हिसाब से प्राथमिकताएं तय की और अपना काम शुरू किया। सबसे पहले ज़रूरत थी संस्थान की वो पहचान दिलाना जिसका वो हकदार अपने स्थापना काल से रहा है। हमने सुविधाओं, शिक्षण संस्थाओं, शिक्षण व्यवस्थाओं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया, जिसकी बदौलत एलएनआईपी को नैक द्वारा A++ की रैंकिंग, Category 1 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी तथा UGC की तरफ से 12B स्टेटस मिला। हम मेंबर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बने। साथ ही हमें विश्व स्तर पर भी सहारा गया, कई जूरी अवार्ड भी मिले। हमने कर्मचारी कल्याण की दिशा में काफ़ी काम किया। लगभग 15 साल से अटके प्रमोशंस, सैलरी इंक्रीमेंट, PhD इंक्रीमेंट, इन सारे मामलों का निस्तारण किया। LNIP में वर्ष 1918 में शिक्षकों और कर्मचारियों के पदों पर नई भर्तियां हुई। 8 साल से यहाँ कोई नई भर्ती नहीं हुई थी। हमने नेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की। नतीजा ये रहा कि संस्थान से न सिर्फ भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी बेहतरीन खिलाड़ी देश भर में अपनी चमक बिखेरने लगे। हमारे टीचर्स और कोचेस को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। हमने गरीब बच्चों के लिए वेलफेयर फंड और एकेडमिक स्कॉलरशिप की शुरुआत की। पहले मिलने वाली 12,000 स्कॉलरशिप रुपये की 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप को हमने 20,000 रुपये यानी साल भर की फीस, पूरी फीस धनराशि के बराबर उनकी स्कॉलरशिप उनको देना शुरू किया। आपको यहाँ एक बात और बताऊँगा, LNIP देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने PhD के छात्रों को एडवांस रिसर्च और तकनीकी शिक्षा के लिए विदेशों में भेजती है। साथ ही हमने यहाँ के शिक्षकों को भी विदेशों में भेजा और उसके लिए वो जो एक्सपीरियंस लेके आए उससे हमारे बच्चों को फ़ायदा हुआ। हमने छात्रों और शिक्षकों का मनोबल सुधारने के लिए भी काम किया। साल 2020 के वार्षिक कैलेंडर की थीम जो संस्थान की उपलब्धियों पर रखी है, इसमें साल में बेहतरीन परिणाम देने वाले छात्रों और शिक्षकों की तस्वीरों को हमने अपने कैलेंडर और डायरी में स्थान दिया। LNIP का नेशनल कवर भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने निकाला। इन सभी प्रयासों से संस्थान के शैक्षणिक माहौल में जबरदस्त सुधार हुआ। इसके साथ ही हमने प्रवेश प्रक्रिया में एम्प्लॉय कोटे की शुरुआत की, जिससे वर्षों में से संस्थान की सेवा कर रहे कर्मचारियों के परिवारों को सबल बना। यहाँ आज तमाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार के ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी भी हैं। इसके साथ ही हमने अपनी प्रवेश परीक्षा में बहुत सुधार किया
और पहले प्री टेस्ट और फाइनल टेस्ट किया, जिससे कि जो सही हकदार बच्चे थे उनको यहाँ एडमिशन मिला और उसकी वजह से हमारा एकेडमिक जो स्तर था वो भी बहुत आगे बढ़ा और खिलाड़ी भी बहुत अच्छे अच्छे आने लगे। हमने यहाँ पे जो राष्ट्रीय हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्राएं हैं उनको यहाँ डायरेक्ट एडमिशन मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री में उनको देना शुरू किया, जिससे हमको संस्थान का नाम भी हुआ और उनको फ़ायदा हुआ। LNIP में मैं अपना विजन डॉक्यूमेंट जब लाया था जिसका 90% काम मैं पूरा कर पाया हूँ, परंतु इसमें अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनना, डीम्ड से फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का दर्जा दिलाना, देश में कई ऑफ कैंपस खुलना जिसमें खासतौर से जम्मू कश्मीर, रांची, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड प्रमुख हैं। संस्थान की को एशिया में छठवें से टॉप 2 की यूनिवर्सिटी बनाना, नियमित इंडिया कैंप ऑर्गेनाइज करना, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना, ये सब इसमें शामिल है। हालांकि हमारे यहाँ अभी पिछले 2 सालों में 2 इंडिया कैंप अंडर 21 इंडिया टीम का बॉयज़ का और गर्ल्स का इंडिया गर्ल्स का फुटबॉल का कैंप भी यहाँ लगा। हम यहाँ पे लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आए हैं और उसके अंदर हम लोग पूरे हफ्ते पूरा कोर्स चलाते हैं, जिसकी वजह से हमने जब मैं यहाँ आया तो यहाँ 10 कोर्स संचालित थे, आज इस समय हमारी संख्या 39 है। हमने 39 कोर्सेज यहाँ शुरू कर रखे हैं। इस बार हमने जितने भी कोर्स हैं उन सब की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई है। सिर्फ 2 कोर्स हैं जिनकी परीक्षा अक्टूबर में होनी है, बाकी सबकी हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन बहुत सफलता के साथ पूर्ण हो चुकी हैं। डिप्लोमा पहले 6 कोर्स चलते थे, अब 11 चलते हैं। इसमें हमने भारतीय खेल जैसे रेसलिंग, कबड्डी आदि को भी इंट्रोड्यूस किया। हमने यहाँ योगा समेत कई नए डिपार्टमेंट बनाए, योगा में MA योगा लाया, PhD योगा लाए, इवन डिप्लोमा योगा लाए, नेचुरोपैथी सेंटर को अपडेट किया और राष्ट्रीय स्तर लेवल का उसको बनाया। हमने नई शिक्षा नीति के हिसाब से भी काफ़ी काम किया और इससे पहले हमने यहाँ पे 2 फैकल्टी सिस्टम लाए। हम 2 फैकल्टी सिस्टम से क्या हुआ, फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज, जिसमें फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 3 डिपार्टमेंट, PAP योगा डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड कोचिंग डिपार्टमेंट रखा, और स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर हमने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, डिपार्टमेंट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड डिपार्टमेंट हेल्थ साइंसेज रखा। हमने अपने फिजियोथेरेपी सेंटर को भी अपडेट करके राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनाई। हमने नई शिक्षा नीति के हिसाब से भी काफ़ी काम किया। संस्थान में हमने तुरंत इंटरडिसिप्लिनरी PhD की शुरुआत की जा चुकी है, जिसका एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है। MSc कोर्सेज की शुरुआत की जा चुकी है स्पोर्ट्स साइंसेज के लिए। हमने LMS के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन एग्जाम भी इस साल कराए हैं। ऑनलाइन माध्यम से ही हमने सन 1920 के कराए गए परीक्षाओं के परिणाम हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं। आज हमारे बैचलर डिग्री फाइनल ईयर, मास्टर डिग्री फाइनल ईयर और डिप्लोमा के भी परिणाम घोषित होने जा रहे हैं। कोरोना के कारण जब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस दौर में भी हमने अपने कैंपस को सफलतापूर्वक संक्रमण से बचाए रखा। इसमें हमारे सारे छात्रियों और कर्मचारियों ने भरपूर हमारा सहयोग किया और हमारे सभी छात्र छात्राओं को हमने उनके घर सकुशल पहुंचाया, जो आज अपने घरों पर सकुशल हैं। हमने यहाँ पे मृतक आश्रित परिवारों को नौकरी देने के मामले में भी पहल की, उसको बोर्ड से पास करा दिया है। हालांकि इस मामले में अभी फाइनल अप्रूवल मंत्रालय का आना बाकी है। LNIP में इसी दौरान 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जो कि 3 फीट के प्लेटफॉर्म के ऊपर 103 फीट का हो गया। अब ये मीलों दूर से भी LNIP की ऊंचाई को बखान करता है, इस पे हमें बड़ा गर्व है। कैंपस में फ्लड लाइट्स, पीने का पानी, टॉयलेट की सुविधा, साथ ही साथ बॉयज़ एवं गर्ल्स मैच का भी विस्तार किया, जिससे कि बच्चों को बहुत इसका फ़ायदा मिला। हमने कैंपस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्टल का लोकार्पण किया और साथ ही अभी नया 400 बेड का फुल फर्निश्ड एक हॉस्टल जल्द तैयार होने जा रहा है, जो एक्सीलेंस सेंटर के लिए मिला है। और उम्मीद है कि ये सेंटर
जो हमने प्रपोज किया है वो उम्मीद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री थे और भारत रत्न थे हैं, उनके नाम से इसको समर्पित किया जाएगा। साथियों, जन्म के बाद हमारा जीवन कैसा होगा इसमें परिवार, माता पिता के अलावा भी तमाम कारक जिम्मेदार होते हैं और इसका एक प्रमुख कारक होता है हमारा शिक्षण संस्थान। समझ लीजिए यह भी हमारे लिए दूसरी माँ जैसा ही होता है। आपको बताऊं, जब मैं आज जो कुछ हूँ इसकी वजह LNCP, अब वो LNIP हो गया है, मैं 1977 में जब एक सामान्य छात्र की तरह आगरा से यहाँ पढ़ने आया था तो LNCP और LNIP से जो मुझे संस्कार मिले उन्होंने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। मेरे परिवार में ज़्यादातर लोग फौज में हैं, मगर LNIP के दिए गए मनोबल की वजह से मैंने पारिवारिक परंपरा को तोड़कर शायद शिक्षा के तहत में आने का फैसला किया। मैं यहाँ पहला पुरातत्व एलुमनी छात्र हूँ जो यहाँ कुलपति पद पर नियुक्त हुआ। ऐसे में मैं ये सोच के आया था कि अपनी इस माँ को मैं इतनी अच्छी परवरिश के लिए धन्यवाद दूंगा और उसका नाम सबसे ऊंचा लगाकर खड़ा कर दूंगा। बीते 5 वर्षों में मैंने अपनी सोच को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया और इसको ऊंचाई से ऊंचाई देने की हर संभव कोशिश की। अपने कार्यकाल में मैंने अपने 4 खेल मंत्रियों जिसमें सोनेवाल जी, विजय गोयल जी, राठौर सर, राजवर्धन जी राठौर सर एवं किरण रिजिजू जी के साथ एवं 5 सचिवों जिसमें राजीव यादव जी, इंजेटी श्रीनिवास जी, राहुल भटनागर जी, जुलानिया सर एवं रवि मित्तल जी के साथ मैंने काम किया। मैं उन सभी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन सभी ने मुझे काम की पूरी आज़ादी देने और समय समय पर मार्गदर्शन देने के लिए जो मेरे को दिया उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर हर संभव हर समय मैंने संस्थान और इस देश के बारे में सोचता रहा हूँ और आगे भी सोचता रहूँगा और ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आशा करता हूँ कि मेरे बाद आने वाले प्रशासक इन कामों को आगे बढ़ाएंगे और इस संस्थान का नाम और ऊंचा ले जाने का प्रयास करेंगे। अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो मैं फिर जल्द ही आपसे फिर मुलाकात करूँगा और मैं पूरा विश्वास है कि मेरी मुलाकात आपसे दोबारा होगी। जय LNIP, जय हिंद, जय भारत।